हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्लेवर में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी और सुपर हेल्दी एनर्जी बॉल्स बनाएंगे। अगर आप रोज एक एनर्जी बॉल सुबह सुबह खाते हैं तो आप दिन भर एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो आइए एनर्जी बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। एनर्जी बॉल या सुपर हेल्दी लड्डू बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में 1/4 कप देसी घी गर्म करेंगे। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तब इसमें 100 ग्राम गोंद डालेंगे। इस तरह से क्रिस्टल के फॉर्म में आता है और मार्केट में किसी भी ग्रॉसरी शॉप पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसे हम बिल्कुल धीमी आंच पर भूनेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद यह धीरे धीरे फूलने लगता है और बड़े साइज का हो जाता है। ये देखिए, यह फूलकर पॉपकॉर्न की तरह बड़ा होता जा रहा है। ध्यान रहे, हमें इसे बिल्कुल धीमी आँच पर ही भूनना है। अगर हम तेज आँच पर इसे भूनेंगे तो यह अंदर से कच्चा और चिपचिपा सा हो जाएगा। ये देखिए, यह अच्छी तरह से फूल गया है और इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसे हम एक बॉल लगाकर छन्नी में पलट लेंगे, जिससे गोंद छन्नी में और एक्स्ट्रा जो घी होगा वो बॉल में आ जाएगा। जब इसका सारा घी अच्छी तरह से निकल जाए तब इसे एक बड़ी थाली में डालेंगे। यह फूलने पर काफ़ी क्रिस्पी सा हो जाता है, जो कि इसके आवाज़ से ही पता चल रहा है। कटोरी की हेल्प से इसे मोटा मोटा क्रश कर लेंगे। इसी तरह से मैंने सारे गोंद को क्रश कर लिया है। अब हम वापस से उसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे। इसमें 1/4 कप बादाम डालेंगे। बादाम को अच्छी तरह से भून लेंगे। बादाम हल्का सा फूलने लगे तब इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें 1/4 कप काजू डालेंगे और इसे भी हल्का गुलाबी होने तक फ्राई कर लेंगे। जब काजू का कलर हल्का सा चेंज होने लगे तब इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें 1/4 कप किशमिश डालेंगे, उसे भी फ्राई कर लेंगे। किशमिश फूल जाए तो इसे भी कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। लास्ट में इसमें 1 कप मखाना डालेंगे और इसे भी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। सारे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। फिर से उसी कढ़ाई में 1/4 कप घी डालेंगे। बॉल में जो घी बचा हुआ था उसे भी कढ़ाई में डाल लेंगे। जब घी गर्म हो जाए तो इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन को 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। इसमें 1.5 कप मोटा गेहूँ का आटा डालेंगे। आटे को धीमी आंच पर भूनेंगे। आटे को भूनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन इसे हमेशा लो फ्लेम पर ही भूनें, क्योंकि आटा जब लो फ्लेम पर धीरे धीरे भूनता है तो इसका लड्डू में एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। आटा ब्राउन होने लगे और इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे तब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए हैं। इसमें से किशमिश को अलग कर लेंगे और बाकी ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर जार में डालकर मोटा मोटा पीस लेंगे। इस तरह से मैंने ड्राई फ्रूट्स को मोटा मोटा पीस लिया है। इसे बहुत बारीक ना पीसें। ड्राई फ्रूट के मिक्सचर को क्रश किए हुए गोंद में डालेंगे। इस थाली में हम भुना हुआ आटा भी डालेंगे। आटे को एक बार चेक कर लें कि आटा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है या नहीं हुआ है। जब आटा अच्छी तरह से ठंडा हो गया हो तभी इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 1 कटोरी पीसी हुई चीनी डालेंगे। 1 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे। 2 चम्मच सौंठ का पाउडर या ड्राई जिंजर पाउडर डालेंगे। हमने जो किशमिश अलग करके रखा था उसे भी इसमें डालेंगे। सारी सामग्री को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप यह लड्डू गर्मी के मौसम में बना रहे हो तो सौंठ का पाउडर ना डालें। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस मिक्सचर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन हाथ में लेकर इसके बॉल्स या लड्डू बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये लड्डू एनर्जी से भरपूर बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। तो आप भी इस ताकत व एनर्जी से भरपूर एनर्जी बॉल्स को ज़रूर बनाएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।